वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। और बेटा आप सब कैसे हैं? एकदम अच्छे से है ना? और पढ़ाई इस समय स्लो कर रहे हैं कि तेज़ से कर रहे हैं, बताइए? पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? डेली पढ़ रहे हैं क्या? नहीं ना, तो डेली पढ़िए। समझ में आया बेटा? ये नहीं कि एग्ज़ाम आए तब शुरू करिए, तब होमवर्क पूरा कंप्लीट करिए, तब क्लास वर्क कंप्लीट करिए, नहीं। क्योंकि बीच बीच में कॉपी चेक हो रही है ना बेटा, तो अब शुरू जैसे जैसे आपको वीडियो पे दिखाया जाए वैसे वैसे उसका वीडियो कंप्लीट, वो होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है बेटा? तो देखिए कल हम लोगों ने क्या किया था, लेसन फिफ्थ का वीर बालक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे ना, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे, साथ में क्या लिखे थे, सही शब्द लिखकर पंक्तियां पूरी करो ना। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चलेंगे अपने थर्ड एक्सरसाइज पे। तो थर्ड एक्सरसाइज क्या है बेटा? सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाओ। क्या है बेटा? टिक द करेक्ट ऑप्शन है कि टिक द करेक्ट, जो सही है सही और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। कुत्ते क्या है? कुत्तों ने सुरमई को चारों ओर से घेर लिया था। सही है गलत है? कुत्तों ने सुरमई को चारों ओर से घेर लिया था, सही है ना? लेसन जब अगर आपने अच्छे से मेरे साथ रीड किया होगा और कोई अच्छे से बुक में देखे होंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो कुत्तों ने सुरमई को चारों ओर से घेर लिया था कि नहीं, तो क्या लगाएंगे बेटा? टिक द करेक्ट ऑप्शन में राइट, सही है ये। सुरमई को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सही है क्या? नहीं। किसको सम्मानित किया गया था बेटा? युक्तार्थ को, उसके भाई को ना, तो ये गलत है। फिर आइए थर्ड पे, युक्तार्थ अपनी बहन को बचाने में सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ था क्या युक्तार्थ अपनी बहन को बचाने में? नहीं, सफल हो गया था। वो क्या किया था? जब कुत्तों के उसे घेर लिए थे तो वो क्या बीच में कूद कर अपनी बहन को क्या किया था बेटा? गोद में उठा लिया था ना। तो ये क्या गलत है? युक्तार्थ अपनी बहन को बचाने में सफल नहीं हुआ क्या? गलत है, क्योंकि वह सफल हुआ था। युक्तार्थ को कुत्तों से डर नहीं लगा, तो क्या है बेटा? सही, युक्तार्थ को कुत्तों से डर नहीं लगा था। अब आइए सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मतलब जो फोर ऑप्शन दिया उसमें से क्या करना है? एक टिक करना है। युक्तार्थ किस गांव का रहने वाला था बेटा? राजानंद, नंदराज, नंदराजा, राजनंद। तो कहाँ पढ़े थे हम लोग, कहाँ किस गांव का रहने वाला था वो? राजनंद, राजनंद के पंसिल कॉलोनी में रहता था ना। अब ये देखिए युक्तार्थ कैसा बालक था? शर्मीला था, साधारण बालक था, बहादुर था कि डरपोक था? तो कैसा बालक था बेटा युक्तार्थ? बहादुर बालक था। कैसा था बेटा? बहादुर था। युक्तार्थ को पुरस्कार किसने दिया था बेटा? तो युक्तार्थ को पुरस्कार प्रधानमंत्री ने दिया था कि राष्ट्रपति ने दिया था कि मुख्यमंत्री ने कि प्रिंसिपल ने? तो किसने दिया था बेटा युक्तार्थ को पुरस्कार? प्रधानमंत्री ने। कौन सा पुरस्कार था वो? संजय चोपड़ा पुरस्कार। युक्तार्थ किस राज्य का रहने वाला था बताइए? बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो हम लोग पढ़े थे ना, वो किस गांव के, किस राज्य का रहने वाला था बेटा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव का था। कहाँ का था बेटा? छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के पंचशील कॉलोनी में रहता था ना। युक्तार्थ बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है बेटा युक्तार्थ बड़ा होकर? वकील, अध्यापक, डॉक्टर, सैनिक। क्या बनना चाहता है वो युक्तार्थ बड़ा होकर? डॉक्टर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है बेटा? डॉक्टर। एक बार फिर से दिखा दें आपको सबको, सब युक्तार्थ किस गांव में रहता है? राजनंद गांव में। युक्तार्थ कैसा बालक है? बहादुर। युक्तार्थ को पुरस्कार किसने दिया? प्रधानमंत्री ने। युक्तार्थ किस राज्य का रहने वाला है? छत्तीसगढ़। युक्तार्थ बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। तो ये बेटा, ये इतना पूरा जहाँ आपने क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट किया है उसी के आगे इसको भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे एक एक्सरसाइज और बच गई है दो, तो वो हो जाएगा आपका, तो ये आपका लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके, बाय।